क्वेश्चन नंबर 71, थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, ये हमारे पास में अमाइनो एसिड का सवाल है। टोटल 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड होते हैं, उसमें 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। उनमें नॉर्मल अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर सी एच सी ओ एच एंड एन एच टू रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये आर की वैल्यू सी एच टू एस एच अगर लगाई जाए तो हमारे पास में जो अमाइनो एसिड बनता है वो सिस्टीन नाम का अमाइनो एसिड होता है। ये सिस्टीन नाम का जो अमाइनो एसिड है ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्योंकि सी एच टू एस एच है अर्थात इसके अंदर थायोल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, एस एच इज नोन एज थायोल फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास में आंसर यहाँ पर होगा 4, सिस्टाइन, सिस्टाइन इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, द पेयर इन विच फॉस्फरस एटम हैव ए फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ऑप्शन नंबर 1 पायरोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला इसका ये होगा H4P2O5, जिसमें इस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, इसकी भी +3। इसका सेकंड पार्ट पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला बनेगा H4P2O7, जिसमें फर्स्ट पार्ट की ऑक्सीजन स्टेट +5, सेकंड की +5। सेकंड ऑप्शन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होगा H3PO3, जिसमें इस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसका सेकंड पार्ट है पायरोफॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होगा H4P2O5, स्ट्रक्चर होगी ये जिसकी ऑक्सीजन +3 +3। यहाँ पे दोनों फॉस्फोरस ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेट +3 +3 मैच कर रही है, इसलिए ऑप्शन बनेगा ये। थर्ड पार्ट पायरोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला H4P2O5, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। सेकंड पार्ट हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉर्मूला बनेगा H4P2O6, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है जो कि +3 नहीं है। फोर्थ पार्ट ऑर्थोफॉस्फोरिक फॉस्फोरस एसिड H3PO3, इसकी ऑक्सीडेशन है +3। इसका दूसरा पार्ट हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, जिसका फॉर्म स्ट्रक्चर बनेगी ये और जिसमें ऑक्सीजन है +4, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा